हाई एवरी वन, आई एम खुशबू एंड वेलकम टू खुशबूज हेल्दी लाइफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ, आई थिंक इट्स अ वर्ल्ड मोस्ट हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट। इट्स अ ओट्स उत्तपम। एंड जिनको भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, लीवर, किडनी, बीपी, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम डू यू हैव, यू कैन ट्राई दिस थिंग। बिकॉज ऑल्सो कैंसर पेशेंट्स के लिए इट्स लाइक अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट और लंच ऑल्सो। तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून ओट्स लिया है। आप चाहो तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हो, बट मैं फटाफट वाला बता रही हूँ आपको, जब आपको टाइम नहीं हो। और इसमें मैंने 2 चम्मच रोस्टेड ये सेमोलिना लिया है, सूजी लिया है। ओट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और सूजी तो बहुत ही अच्छा होता है। कर्ड मैं ले रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून ओट्स में 2 टेबल स्पून सेमोलिना लिया है, सूजी लिया है, और उसमें उसी अकॉर्डिंग कर्ड लिया है। आप थोड़ा सा इसको थिक भी कर सकते हैं और थिन भी कर सकते हैं। इसमें मैं आपका फ्लेक्सिड्स पाउडर ले रही हूँ। मैं फ्लेक्सिड्स को क्या करती हूँ, ड्राई रोस्ट करके इस तरह ग्राइंड करके फ्रिज में रख देती हूँ। और फ्लेक्सिड्स में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो ये कैंसर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये मैं वाइट तिल और ग्रीन पम्पकिन सीड्स ले रही हूँ, एंड वाइट पम्पकिन सीड्स ले रही हूँ। जिनको भी कैल्शियम की प्रॉब्लम है वो तिल ज़रूर खाएं, और जिनको ओवरी की प्रॉब्लम है, ओवरी में कोई भी ऐसा कुछ सिस्ट हो रहा है, तो वो पम्पकिन सीड्स ज़रूर खाएं, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ये मैं मसाले डाल रही हूँ, रेगुलर मसाला। मुझे मसाले बहुत पसंद है क्योंकि बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैं ब्लैक पेपर लिया है मैंने, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा एंड रॉक सॉल्ट लिया है मैंने। आप चाहो तो ग्रीन चिली वगैरह भी अच्छे से ऐड कर सकते हो। और ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ मिक्स करते करते कि ये जो भी मैं जो उत्तपम जिस चीज़ का मैं बना रही हूँ, इतना पावरफुल और इतना अच्छा ब्रेकफास्ट है ये। और लंच में भी आप कर सकते हो, आप डिनर में भी कर सकते हो। तो सीड्स आप ज़रूर खाएं। आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, कैल्शियम की प्रॉब्लम बहुत सॉल्व करता है ये सीड्स। और इसमें मैं 1 छोटा सा अनियन और 1/2 टमाटो ले रही हूँ। जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है वो टमाटो स्किप भी कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा 2 गार्लिक का क्लोव और थोड़ा सा ये जिंजर ले रही हूँ। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और ग्रीन चिली मैं ले रही हूँ। आप चाहो तो इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, जैसे पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, गाजर हो गया। तो जिनको भी किसी भी चीज़ से जिसको प्रॉब्लम है वो स्किप आप कर सकते हो। जैसे किडनी की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, या गॉल ब्लैडर में किसी को भी स्टोन की प्रॉब्लम है, वो टमाटर स्किप कर दें एंड पालक स्किप कर दें। अब मैं थोड़ा सा इसमें अजवाइन डालूंगी जिससे डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है। और मैं थोड़ा सा इसमें कलौंजी की सीड्स डालूंगी। कलौंजी बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो अगर आप उसको खाएंगे तो आपके बालों पर बहुत इफ़ेक्ट दिखेगा। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करें, और बिलीव मी गाइस, ये बहुत हेल्दी होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर है एकदम। आपका वो कॉन्स्टिपेशन जिनको भी है वो ज़रूर इसको खाएं। इनसे फाइबर की वजह से कॉन्स्टिपेशन काफ़ी अच्छा होता है इससे। और इस तरीके का ये थिक बैटर मैंने बनाया है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं बनाना है आपको। अगर आप थोड़ा सा थिन बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, बट मैं इसी तरह से बना रही हूँ। और मैंने कास्ट आयरन पैन लिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा घी लिया है। और ये बिल्कुल मैं हेल्दी बना रही हूँ, तो मैं कास्ट आयरन ही यूज़ करती हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप नॉनस्टिक क्यों नहीं यूज़ करते हैं, तो मैं बता दूँ, नॉनस्टिक इट्स लाइक अ हेल थिंग्स। तो ये मैं, हमारा घी गर्म हो गया है, मैं इसमें जो बैटर मैंने बनाया था इस तरीके से मैं इसको स्प्रेड करूँगी। आप चाहो तो इसका 2 उत्तपम भी बना सकते हो, थोड़ा थिन भी बना सकते हो। मैं थोड़ा थिक उत्तपम बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब जित सपोज आप 3 या 4 लोगों के लिए बना रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग आप इस तरीके से बैटर बना सकते हो, उतनी मात्रा में आप ले सकते हो। तो इस तरीके से मैं बैटर इसमें स्प्रेड कर देती हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ नॉनस्टिक यूज़ ना करें। अगर आपको लगता है ग्रेनाइट पैन आपको यूज़ करना है, वो उसका मैंने इतना स्टडी नहीं किया है, तो मैंने मुझे उसका इतना नहीं पता, बट कास्ट आयरन इज़ अ सेफेस्ट थिंग। और
बहुत अच्छा है ये, मेरा लॉन्च का कास्ट आयरन है तो आप इसमें ही बनाएं, और अगर आपके पास लोहे का तवा है तो आप उसमें भी बना सकते हो। मैंने 5 से 7 मिनट इसको कम पे ढक कर के रखा है, और आप चेक कर लो कि नीचे आपका थोड़ा सा हुआ है कि नहीं क्रंच। तो मैं इसमें थोड़ा सा जो मैंने बचाया था टोमेटो एंड ये अनियन का जो मैं थोड़ा सा उस पर स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। और मैं बार बार बता रही हूँ, जिनको भी स्टोन की प्रॉब्लम है वो टोमेटो स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको फिर से ढकूँगी, और ये मैं बिल्कुल कम पे बना रही हूँ, क्योंकि मेरा थिक, बहुत ज़्यादा ही थिक ये मेरा जो उत्तपम है वो बहुत थिक है, तो थोड़ा टाइम ले रहा है ये। अगर आप थिन बना रहे हो तो आप बीच बीच में आप देख भी लेना कि आपका ये जला तो नहीं है। तो ये मेरा अच्छे से मैंने पलट दिया है, और ये जो कास्ट आयरन, जो लॉन्च का कास्ट आयरन है ना, इससे आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपने नॉनस्टिक में नहीं बना रहे हो। इसमें बिल्कुल खाना स्टिक नहीं होता है, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप इतना हेल्दी खाना बना रहे हो लेकिन आप नॉनस्टिक पैन यूज़ कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो इस तरीके से हेल्थ के लिए छोटी छोटी चीज़ें मैटर कर जाती हैं हमें। और मैं इसको घी में बना रही हूँ, तो घी तो हमारे टिश्यूज़ के लिए, हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो एक साइड तो मेरा हो गया है, मैं देख लेती हूँ दूसरे साइड। ये दूसरे साइड भी मेरा हो गया है, तो अब मैं इसको सर्विंग के प्रोसेस पे चलती हूँ। ये आप देख सकते हो कितना क्रंच, और सूजी से जो क्रंच आया है वो काफ़ी अच्छा आया है। अभी मैं इसको सर्व करूँगी। मैंने घर का आंवले का अचार बनाया था, गूसबेरी का, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और घर का अचार है तो काफ़ी ऑयल भी नहीं है, और मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया था। तो विटामिन सी बहुत होता है इस आंवले के अचार में, तो आप चाहो तो इसको दही के साथ भी खा सकते हो, बट विदाउट सॉल्ट। तो मैं अभी ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ये मेरी रेसिपी, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बी हेल्दी। थैंक यू सो मच।